दोस्तों आज बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। जो बच्चे फ्रूट ऐसे नहीं खाते हैं उसको कस्टर्ड के रूप में इस तरह से खिला सकते हैं। ऐसे भी फ्रूट कस्टर्ड सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कप दूध ले लेंगे, ये दूध रूम टेम्परेचर का ही है, और इसमें 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे। पहले इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से आराम से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। देखिए ये मिक्स हो गया है, इसको अब साइड में रख देते हैं और एक पतीले में 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं। उसके बाद 3 कप दूध डाल देंगे। ये पूरा दूध 1 लीटर है कि 3 कप दूध डाल दिए हैं, और इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसमें एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और इसको बॉयल होने का वेट करते हैं। जब इसमें बॉयल आने लगे तब हम कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध धीरे धीरे इस तरह से डालेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, और एक हाथ से धीरे धीरे डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जाके नीचे जमा हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और 1 से 2 मिनट इसको उबाल लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए गाढ़ा हो गया है, ये मैंने सारा डाल दिया है इसमें। देखिए इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कस्टर्ड में। और इसको मिक्स कर देंगे और 3-4 घंटे के लिए इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। देखिए फ्रिज से 3-4 घंटे के बाद निकाल दिए हैं, देखिए एकदम गाढ़ा है। और इसमें फ्रूट अपने हिसाब से ले लेंगे। ये मैंने केला, अंगूर, सेब और अनार के कुछ दाने, देखिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अनार के दाने लिए हैं, और ये ब्लैक अंगूर है। और ये सब जो भी आपके घर में हो या जो आप पसंद करते हो फ्रूट में, आप वो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से जब बनाना हो ना, तभी कस्टर्ड तैयार करना हो तभी फ्रूट उसमें डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए इस तरह से पहले बाउल में फ्रूट को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल देंगे। 2 बाउल तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये सेब भी है, इसको भी काट देंगे दोनों में ऐसे ही। ये बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और ये अनार के दाने हैं, ये ब्लैक अंगूर है, ये थोड़ा काट के दे दिए हैं, और इसको भी ग्रीन वाले अंगूर को भी काट देंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा देखने में लग रहा था, कट के अच्छा लगेगा। और इसमें अब कस्टर्ड वाला मिक्स जो किया हुआ है ठंडा ठंडा, वो मिक्स कर देंगे, पूरा इसमें भर देंगे ऊपर तक। और इसमें अब इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़े से पिस्ता से, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से थोड़ा अनार के दाने डाल देंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत टेस्टी और अच्छा लगेगा, देखने में बच्चों को एकदम से पसंद आ जाएगा। ये ब्लैक अंगूर से इस तरह से सजा देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इन गर्मियों में कस्टर्ड को बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।